सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल YouTube चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है राशि आपकी और मैं हूँ मल्लिका शर्मा। आइए आज फिर से शुभारंभ करते हैं अपने इस विशेष कार्यक्रम का और आपको बताते हैं क्या कहती है आपकी राशि। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वाले जातकों का समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धार्मिक कार्यों में रुचि लेंगे, लेकिन कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे आपकी प्रतिष्ठा प्रभावित हो। आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। इस सप्ताह विरोधी परास्त होंगे। आर्थिक लाभ तथा प्रवास संभव है। आपके काम की प्रशंसा होगी, लेकिन आपको नकारात्मक विचारों से दूर रहने की कोशिश करें। भाग्य आपका पूरा पूरा साथ देगा। वृषभ राशि। इस सप्ताह परिश्रम अधिक लेकिन लाभ कम रहेगा। कार्य में बाधाएं आ सकती हैं। संभव हो तो यात्रा ना करें, वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। संतानों के विषय में चिंता हो सकती है। सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी। मानसिक रूप से थकान का अनुभव कर सकते हैं। व्यवसाय में महत्वपूर्ण निर्णय करने से पहले सभी पहलू पर विचार अवश्य करें। नौकरी करने वाले अपने सहयोगियों से मेलजोल बनाए रखें। आर्थिक मामलों के लिए ये सप्ताह सामान्य रहेगा, इसलिए अपने दिन की योजना बेहतर तरीके से बनाएं। मिथुन राशि। व्यापारिक एवं व्यवसायिक संदर्भ में ये सप्ताह कुछ जातकों के लिए कार्य के नए अवसर उपलब्ध कराएगा। छात्रों के लिए ये समय थोड़ा संघर्षपूर्ण हो सकता है। नौकरी करने वालों के लिए तरक्की का समय है, किंतु थोड़ी टेंशन भी बढ़ सकती है। इन दिनों में कुछ सुखद बदलाव भी आपकी लाइफ में हो सकते हैं। किसी समस्या का निवारण करने में आप सफल हो सकते हैं। सेहत संबंधित परेशानियां भी हो सकती हैं। पारिवारिक जीवन आनंदमय रहेगा। धार्मिक अनुष्ठानों में मन लगेगा। लंबे समय से बीमारी से पीड़ित लोगों को राहत मिल सकती है। कर्क राशि। जातकों के लिए ये समय अच्छा रहेगा। कार्य योजनाओं की गतिशीलता पर विचार विमर्श होगा। नौकरी पेशा वालों के लिए समय ठीक नहीं है। आर्थिक स्थिति अच्छी होने की संभावना है। अपने मन की बात किसी से भी शेयर करने से बचें। जोश या जल्दबाजी में पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला ना लें। वैवाहिक स्थिति में आप अति आनंदित महसूस करेंगे। भवन निर्माण के लिए किए जा रहे प्रयास सफल हो सकते हैं। घर में धार्मिक कार्य संपन्न होने के योग बन रहे हैं। सरकार से जुड़े मामले में प्रगति होने की संभावना है। सिंह राशि। जातकों के लिए सप्ताह मिला जुला फल देने वाला होगा। इस सप्ताह सोचे हुए सभी काम पूरे होंगे, लेकिन आपको संयम रखना होगा। आप कोई नया काम शुरू करने का प्रयास कर सकते हैं। धन लाभ के भी योग बन रहे हैं। व्यवसायिक और व्यापारिक संदर्भ में आप में से कुछ के लिए पिता का सहयोग आपके व्यवसायिक जीवन में शुभ परिवर्तन ला सकता है। वैवाहिक जीवन में आपसी तालमेल का अभाव रहेगा। प्रेम संबंधों में आप इस समय खुद को आनंदित महसूस करेंगे। कन्या राशि। जातक इस सप्ताह नवीन योजनाओं में व्यस्त रहेंगे। आप कार्यक्षेत्र से संबंधित किसी योजना अथवा शुभ योजनाओं से जुड़े रहेंगे। पारिवारिक विषयों के लिए आपको समय निकालना होगा। इस सप्ताह आप वाहन का सौदा व नया वाहन खरीद सकते हैं। इन दिनों किसी महत्वपूर्ण यात्रा पर जा सकते हैं, जिससे आपको लाभ होने की संभावना है। आपकी त्रुटि से उत्पन्न उलझन में सहयोगी बचाव करेंगे। ईमानदारी कर्मठता के बावजूद यश प्राप्ति और सफलता संदिग्ध रहेगी। लोग आपकी ईमानदारी की तारीफ कर सकते हैं। तुला राशि। जातकों के लिए ये सप्ताह अच्छा नहीं कहा जा सकता। सरकारी नौकरी वालों के लिए ये समय थोड़ा मिला जुला रहेगा, इसीलिए लापरवाही ना बरतें। व्यापारी एवं व्यवसायिक की कार्य प्रगति में बाधा उत्पन्न हो सकती है। कार्यों में विलंब से आर्थिक स्थिति में नुकसान संभव है। वैवाहिक जीवन में पारिवारिक अड़चन आ सकती है। आप अपने परिवार के साथ एक लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। पढ़े संबंधों में आपसी तालमेल बनाए रखें। आप इस सप्ताह कोई भी फैसला सोच विचार कर ही लें, वरना आपके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। वृश्चिक राशि।
कार्यस्थल पर आप लक्ष्य प्राप्ति में सफल रहेंगे, लेकिन इसके लिए आप दूसरों से मदद ले सकते हैं। आमदनी के अच्छे आसार बन रहे हैं, किंतु व्यापार विस्तार के लिए कर्ज लेने से बचें। नौकरी पेशा जातकों के लिए कार्यस्थल पर स्थिति सामान्य रहेगी। पारिवारिक संबंधों में मिठास बढ़ेगी। संतान के संबंध में प्राप्त शुभ समाचार पारिवारिक सदस्यों को आनंदित कर सकता है। रिश्तेदारों के साथ अपने संबंधों को फिर तरोताजा करने का समय मिल सकता है। धनु राशि जातकों के लिए ये समय सामान्य रहेगा। कोई खास उथल पुथल नहीं होगी। कार्यक्षेत्र के साथ साथ योजनाओं में भी महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं। नए विचार और नई सोच के साथ नए कार्यों का सृजन होगा। आर्थिक संदर्भ में व्यापारियों के लिए आय के नए स्रोत भी बन सकते हैं, जिससे आर्थिक समस्याओं में सुधार की संभावना है। नौकरी पेशा जातकों के लिए स्थान परिवर्तन के संकेत हैं। वैवाहिक जीवन में ठीक ठाक स्थिति रहेगी। बिना सोचे समझे किसी भी प्रकार की खरीदारी करने से बचें। बुजुर्ग तथा बच्चे आपके समय की अधिक मांग कर सकते हैं। मकर राशि ये सप्ताह मकर राशि वाले जातकों के लिए विशेष शुभता लेकर आ रहा है। पूरा सप्ताह सुखमय रहेगा। फालतू की झंझट में पड़ने से आपको बचना होगा। कुछ लोग तरह तरह की सलाह भी आपको दे सकते हैं। आप कोई भी फैसला लें तो अच्छे से सोच विचार करें। पैसों के मामले में जहां तक हो सके किसी तरह के झमेले में ना पड़े, क्योंकि पैसे को लेकर किसी के साथ विवाद या कहासुनी भी हो सकती है। ऑफिस फील्ड और बिजनेस में भी कुछ रुकावटों का सामना करने के बाद आपको मेहनत से सफलता मिल सकती है। कुंभ राशि ये सप्ताह अच्छा रहेगा। सोचे हुए कामों में सफलता मिल सकती है। रुका हुआ पैसा मिलने के योग बन रहे हैं। नौकरी पेशा जातक कार्यस्थल में वरिष्ठों की प्रशंसा के पात्र होंगे। मानसिक संतोष भी रहेगा। छिटपुट मामले में दूसरों के साथ विवाद से बचें। चलता काम निपटने से आप में जो कॉन्फिडेंस आएगा उससे आपके लिए नए रास्ते खुलने जाएंगे। सप्ताह के अंत में कार्य की अधिकता रहेगी, साथ ही संघर्ष भी होगा। वैवाहिक जीवन में स्थिरता आएगी। अपनी सेहत पर पूरा ध्यान दें। मीन राशि आपके लिए सप्ताह उतार चढ़ाव भरा हो सकता है। इन दिनों में दुश्मनों पर जीत मिल सकती है। करियर के लिए ये सप्ताह खास हो सकता है। धन लाभ के योग बनेंगे। प्रॉपर्टी के मामले में भी दिन आपके हित में हो सकते हैं। सेहत में सुधार हो सकता है। आप कोई भी काम पूरे आत्मविश्वास से खुद ही निपटाने की कोशिश में रहेंगे। इसके अलावा बेचैनी के कारण नियमित कामों में आपका मन नहीं लगेगा। यात्रा के योग बन रहे हैं। इन दिनों में उधारी से भी आपको बचना होगा। आज के इस खास कार्यक्रम में आप हमें दें इजाजत। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।